नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यंदु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ, ये नैरो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ये आप लोगों को नैरो रेंज ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये स्ट्रैटेजी यह है कि बोलिंजर बैंड और केल्टनर चैनल एक साथ अप्लाई करना। तो केल्टनर चैनल जब बोलिंजर बैंड जब केल्टनर चैनल एक नैरो रेंज के अंदर रहता है और बोलिंजर बैंड जब स्क्वीज करके केल्टनर चैनल के अंदर घुस जाएगा तो वो भी स्क्वीज हो जाएगा। उसके बाद जब बोलिंजर बैंड बाहर जाएगा तो इसमें ब्रेकआउट होगा। इधर देखिए सेंचुरीटिक्स का एक मैंने एग्जांपल लिया, क्यों लिया वो बाद में दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इधर जब केल्टनर चैनल का अंदर घुस गया, उसके बाद जब ये बैंड नीचे आया, इसका बैंड नीचे आया तो कितना नीचे गया। उसके बाद फिर इधर देखिए, इधर जब बैंड के बाहर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है। तो मतलब इसका ये नेक्स्ट डे में ये ब्रेकआउट होने का पॉसिबल है। ये आप लोग वन डे का चार्ट में भी देख सकता है, 15 मिनट का भी देख सकता है। ये देखिए इधर 15 मिनट का चार्ट में, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। इसके साथ MACD अप्लाई करने से एकदम क्रॉस जिधर ब्रेकआउट हुआ एकदम उधर जाके पकड़ सकता है। ये देखिए MACD अप्लाई किया तो इधर जब MACD भी क्रॉस ओवर हो रहा है और इधर भी केल्टनर चैनल बाहर जा रहा है तो इधर आप लोग को आ रहा है, ब्रेकआउट दिखा रहा है। ये मेरा बाइसेल सिग्नल कम स्किनर में मैंने इंट्रोड्यूस किया, इधर आप लोग स्किन कर ले सकते हैं। मैं क्यों सेंचुरी टेस्ट को चुना तो इधर से आप लोगों को स्क्रीन करने के लिए सुविधा हो जाएगा, क्योंकि इधर कौन सा स्टॉक में ऐसा हो रहा है तो आप लोग कैसे ढूंढेंगे, तो स्क्रीनर से आप लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। देखिए मैंने इधर रखा है LTP ग्रेटर देन केल्टनर चैनल एंड केल्टनर चैनल अपर बैंड एंड बोलिंजर बैंड। मैंने अपसाइड दिखाता हूँ, इसको देखिए ट्रू रखिए, ट्रू वैल्यू ये सफिशियंट है। देखिए बॉस लिमिटेड, सेंचुरी टेक, JSW स्टील, माइंड फ्री, TBCPL, इतना सारा स्टॉक आ रहा है। तो आप लोग भी ये चार्ट में चेक कर सकते हैं इसको। और मैंने और भी एक क्राइटेरिया रखा है, ये सफिशियंट है कि ये कंडीशन मैच करने से ही ये आप लोगों को आप मूवमेंट दिखाएगा, अच्छा मूवमेंट देगा। तो फिर भी मैंने एक और भी एक क्राइटेरिया रखा है कि MACD ग्रेटर देन 0 हो लेकिन लेस देन EMA 9। आप लोग जानते हैं कि MACD 12 से 26 एंड 9 होता है, तो MACD ग्रेटर देन 0 होगा लेस देन 2% ऑफ EMA 9। तो इसमें देखिए ये थोड़ा सा आ रहा है। तो क्या हो रहा है, आप लोग जब इसको देखेंगे तो ये एकदम बिल्कुल नज़दीक आप लोग इसको ट्रेड को पकड़ सकता है। मैंने इस NTPC को देखता है या पेट्रोनेट को देखता है, कुछ भी देखता है। देखिए अब लोग इधर एकदम जब ब्रेकआउट हुआ है उधर हो रहा है, उधर आप लोग इसको पकड़ सकते हैं। किसी को देखते हैं, ये देखिए जस्ट ब्रेकआउट हुआ है वन डे का चार्ट में, ठीक है। तो इसको एकदम नज़दीक आप लोग पकड़ सकते हैं। तो
ये यही क्राइटेरिया सफिशियंट है।